सारी लात शर्म छोड़ कर लग जाओ काम पे। एक सोच के लिए इतना गुस्सा? मत तो घर के पीछे बैठ जाते, पर हम तो औरतें हैं, हमें तो हर चीज के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। संडास तो ला के छोड़ूंगा इस गांव में। कुछ ऐसी ही कसम कर्नाटक के बल्लारी के तालूर गांव की महन कली ने भी खाई। महन कली महज 13 साल की नन्ही सी कली है और 7वीं कक्षा में पढ़ती है। एक रोज वो इस बात को लेकर जिद पर अड़ गई कि जब तक उनके घर में शौचालय नहीं बनेगा वो खाना ही नहीं खाएंगे। माँ बाप ने बहुत समझाया, तमाम कसमें दी, भूखा रहने पर बीमार होने का डर दिखाया, परीक्षा की मिसाल दी, लेकिन जिद की पक्की ये नन्ही सी कली किसी के सामने झुकी नहीं। उसकी इस कसम की कहानी पहले गांव में फैली, फिर पंचायत तक पहुंची और फिर स्थानीय दफ्तर के गलियारों में। दफ्तर के अधिकारियों ने भी महन कली को मनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन जिद की पक्की ये छुटकी मानी नहीं और आखिरकार अधिकारियों को ही उसके घर के बाहर शौचालय बनाने का काम शुरू करना पड़ा। शौचालय बनवाने के लिए इस छोटी सी बच्ची ने अपनी खुद की ही सोच से 2 दिन का कड़ा उपवास रखा। इस न्यू इंडिया में यही तो वो बदलाव है जिनका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की मजाक उड़ाने वालों को महन कली से सीख लेनी चाहिए।